अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अरहमकुल फ्रॉम अरहमकुल ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वीवो के V19 के बारे में। वीवो V19 के बारे में हम इसकी प्राइस, इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसकी लॉन्च डेट के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि ये स्मार्टफोन को क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देगा। कंप्लीट डिटेल्स इसके हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही नहीं आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं वीवो V19 के बारे में कम्प्लीट डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको इसके रैम एंड रोम वेरिएंट्स और इसकी प्राइस कंफर्म करता चलूँ। अगर हम इसके वेरिएंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट्स देने को मिलेंगे। जो बेस वेरिएंट होगा वो यहाँ पर आपको 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट देने को मिलेगा, और जो इसका अपर वेरिएंट होगा वो आपको 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट देने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इसके प्राइस की, तो ये तकरीबन आपको 50 से 55 हज़ार रुपये के बिटवीन में देने को मिलेगा। जैसा कि वीवो के जितने भी स्मार्टफोन्स यहाँ पर आ रहे हैं वी सीरीज़ के, वो 50 से 55 की प्राइस में ही लॉन्च किए जाते हैं। तो यह हो सकता है ये स्मार्टफोन भी आपको 50 हज़ार रुपये से लेकर 55 हज़ार रुपये की प्राइस टैग तक देने को मिले। और अब बात करते हैं हम इसके कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशंस की, इसकी डिस्प्ले की, इसके प्रोसेसर वगैरह सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो पहले बात करते हैं हम इसके डिस्प्ले के बारे में। 6.4 इंच के यहाँ पर आपको FHD+ रेजोल्यूशन वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देने को मिलता है, और यहाँ पर आपको पंच होल का फीचर दिया गया है। यहाँ फ्रंट पर आपको डुअल पंच होल कैमराज देने को मिलते हैं। ओवरऑल लुक वाइज अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पर आपको क्वालिटी दी जा रही है, रेजोल्यूशन भी अच्छी है और साइज़ भी यहाँ पर आप काफ़ी मीडियम, काफ़ी अच्छा साइज़ रखा गया है। और अगर हम यहाँ पर बात करें बैक की, तो बैक यहाँ आपको टोटली प्लास्टिक की देने को मिलेगी, और ये पॉलीकार्बोनेट टाइप प्लास्टिक है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको बैक दी जा रही है। और अगर मटेरियल की बात करें तो काफ़ी अच्छा मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है वीवो की तरफ से। और अगर हम बात करें कैमराज की, तो आपको बता चलूँ फ्रंट साइड पर आपको डुअल पंच होल कैमराज देने को मिलेंगे। प्राइमरी सेंसर फ्रंट की तरह साइड पर आपको यहाँ पर 32 MP का देने को मिलेगा, साथ में 2 MP का आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देने को मिल सकता है। अगर हम बात करें बैक साइड की, तो बैक पर आपको क्वाड कैमराज देने को मिलेंगे। और अगर हम इसका कैमरा मॉड्यूल की बात करें, तो यहाँ पर आपको प्राइमरी सेंसर 48 MP का देने को मिलेगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 MP का मैक्रो लेंस और 2 MP का डेप्थ सेंसर आपको इसमें देने को मिल जाएगा। तो कैमराज भी ओवरऑल इसके काफ़ी ज़रा अच्छे होने वाले हैं। और अब बात करते हैं इसके इंटरनल्स के बारे में। अगर हम प्रोसेसर की बात करें, तो यहाँ पर आपको देने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर, जो गेमिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है और आपको काफ़ी ज़रा अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस में देने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी देने को मिलेगी, जो एटलीस्ट एक 5000 mAh तक होती तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती थी, क्योंकि जितनी भी स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो इस प्राइस टैग में जो स्मार्टफोन लॉन्च कर रही हैं उसमें 5000 mAh तक बैटरी होती है। तो इसमें भी अगर 5000 mAh होती तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था, बट फिर भी 4500 mAh कम नहीं है, विच बेस्ट है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, इसके अंदर एक बैटरी तो यहाँ पर आपको देने को मिल रही है अच्छी अच्छी 4500 mAh की, साथ में यहाँ पर आपको एक फास्ट चार्जर भी देने को मिलेगा, और यहाँ 18 वाट का नहीं बल्कि 33 वाट का फास्ट चार्जर आपको देने को मिलेगा, जिससे स्पीड अप आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी चार्जिंग की। तो ये इसकी कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अब वैसे बात करें इसके लॉन्च डेट के हिसाब से, तो यहाँ लॉन्च डेट भी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है, 15 मई के बाद ही आपको स्मार्टफोन देने को मिलेगा। 15 मई 2020 के बाद आपको ये स्मार्टफोन देने को मिल सकता है पाकिस्तान में। और अब बात करें इसके प्राइस की, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही, ये तकरीबन 50,000 रुपये से लेकर 55,000 रुपये की प्राइस में देने को मिलता है। इससे ज़्यादा ये स्मार्टफोन में भी 60 तक चल जाए कन्फर्म नहीं है, बट 50 से 55 के बीच में ज़्यादा चांसेस हैं स्मार्टफोन के आने की। तो ये थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो गाइस, दिस इज अरहमकुल साइनिंग ऑफ एंड #FastTech।